नमस्कार दोस्तों, रेखा दास चैनल में आप सभी का स्वागत है। आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों के साथ आलू शिमला मिर्च की बहुत ही टेस्टी एक रेसिपी शेयर करूंगी। एक बार आप मेरे तरीके से रेसिपी को बना के ज़रूर देखिएगा, उम्मीद करती हूँ पसंद आएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की रेसिपी। तो आज की रेसिपी के लिए लिया मैंने यहाँ पे 250 ग्राम शिमला मिर्च। और देखिए, शिमला मिर्च को इस तरीके से मैंने थोड़ा सा बड़े टुकड़ों में काट लिया है। साथ ही मैंने लिया है दो बड़े साइज़ के आलू, और आलू को भी हम इस तरीके से थोड़ा सा बड़े टुकड़ों में काट लेंगे। चाहे तो आप यहाँ पर आलू कम ज़्यादा कर सकते हो। तो चलिए शुरू करते रेसिपी। कढ़ाई में हम ले लेंगे 3 चम्मच तेल। तेल जैसे गर्म हो जाए हम डाल देंगे 1 चम्मच साबुत जीरा। जीरा को हम पहले फ्राई करेंगे। जीरा जैसे ही फ्राई हो जाए हम डाल देंगे एक मीडियम साइज़ के प्याज को छोटे छोटे टुकड़ों में काट के। गैस का फ्लेम मीडियम करके बस हम 1 मिनट पहले प्याज को फ्राई कर लेंगे। 1 मिनट के लिए प्याज को फ्राई कर लिया है। डाल देंगे हम यहाँ पर आलू। आलू प्याज को हम 4 से 5 मिनट बिल्कुल लो फ्लेम में ढक के फ्राई करेंगे। और डाल देंगे हम नमक स्वादानुसार। पहले हम एक बार मिला लेंगे और गैस का फ्लेम बिल्कुल लो पे करके हम ढक के फ्राई करेंगे 4 से 5 मिनट, जब तक आलू प्याज का कलर अच्छे से चेंज ना हो जाए। बीच में खोल के हम 1 से 2 बार स्पैचुला से चला भी लेंगे। चार से पाँच मिनट हो गए आलू प्याज को फ्राई करते हुए। अब हम डाल देंगे 1 चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट। अदरक लहसुन डालने के बाद हम 30 सेकेंड के लिए और फ्राई कर लेंगे। अदरक लहसुन जैसे भून जाए हम डालेंगे ड्राई मसाले। तो सबसे पहले हम गैस का फ्लेम बिल्कुल लो पे ही रखेंगे और डालेंगे 1 चम्मच कश्मीरी रेड चिली पाउडर, 1/2 चम्मच हल्दी, 1 चम्मच धनिया पाउडर, 2 से 3 चम्मच हम डालेंगे पानी, और मसाले डाल के हम 2 मिनट अच्छे से भून लेंगे। मसाला डालने के बाद मैंने 2 मिनट अच्छे से भून लिया है। जैसे ही आलू के साइड से तेल अलग दिखने लगे हम डाल देंगे यहाँ पे 2 मीडियम साइज के टमाटर को छोटे छोटे टुकड़ों में काट के। साथ ही हम नमक डालेंगे स्वादानुसार। नमक हमने पहले भी डाला था तो नमक आप अपने स्वादानुसार डालिएगा। और डाल देंगे हम यहाँ पे शिमला मिर्च 1/2 चम्मच, हम डालेंगे गरम मसाला। एक बार हम मिक्स करेंगे और गैस का फ्लेम बिल्कुल लो पे रख के ढक देंगे हम 5 मिनट के लिए। 5 मिनट में आलू शिमला मिर्च अच्छे से हमारा सॉफ्ट हो जाएगा, लेकिन बीच बीच में खोल के हम 2 से 3 बार स्पैचुला से चला भी लेंगे। फ्रेंड्स, आज की आलू शिमला मिर्च की रेसिपी आप एक बार ज़रूर बना के देखिएगा। रोटी पराठे किसी के साथ भी खाएंगे, आपको बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगेगा। तो देखिए, अच्छे से मिक्स कर दिया है। गैस का फ्लेम बिल्कुल लो पे रख के ढक देंगे 4 से 5 मिनट के लिए। 5 मिनट हो गए और टेस्टी हमारा आलू शिमला मिर्च की सब्जी बन के तैयार है। लास्ट में हम डालेंगे कटा हुआ हरा धनिया। बस अच्छे से मिक्स करके हम गैस का फ्लेम बंद कर देंगे। और देखने में आपको जितना ये टेस्टी लग रहा है, खाने में भी उतना ही ज़्यादा आपको टेस्टी लगेगा। एक बार बस ज़रूर बना के देखिएगा मेरे तरीके से। तो धनिया पत्ते डाल के अच्छे से मिक्स कर लिया है। गैस का फ्लेम हम बंद कर देंगे और सब्जी को हम सर्व कर लेंगे एक प्लेट में। तो फ्रेंड्स, आज की रेसिपी कैसा लगा बनाने के बाद कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। अच्छा लगे खाने के बाद तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब और दोस्तों के साथ रेसिपी को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कीजिएगा। तो नई रेसिपी के साथ हम फिर से मिलेंगे। तब तक अपना ख्याल रखिएगा और चेहरे पर हमेशा स्माइल रखिएगा।